नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी की हाल की अमेरिका यात्रा कई मामलों में खास रही। आज हम वेब वार्ता में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप, नरेंद्र मोदी के भाषण पर अमेरिकी संसद में तालियां तो खूब बजी, लेकिन भारत को विशेष दर्जा नहीं मिल पाया। देखिए, ये दोनों बातों को जोड़ा जाना स्वाभाविक है, क्योंकि वो भाषण भी संसद में हुआ था और सीनेट ने ही प्रस्ताव को खारिज भी किया है। लेकिन दोनों बातें अलग है। हमें अमेरिकियों का चाल और चरित्र समझना पड़ेगा। वो भाषण अच्छा होना, उस भाषण का प्रभावी होना, उसमें तालियां बजना, खड़े होके लगातार अभिवादन होना, 7 से अधिक बार खड़े होके अभिवादन हुआ, 40 मिनट के भाषण में करीबन 40-50 बार तालियां बज गई, तो मुझे लगता है कि वो अपने आप में एक अलग उपलब्धि है। लेकिन अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि उन तालियों की प्रतिध्वनि अमेरिका की सीनेट में मंजूर होने वाले प्रस्तावों में भी सुनाई देगी, तो यहां पर हम गलती पर हैं। उस दिन भी एक बात हुई थी, कई लोगों ने कहा आप तारीफ करें। देखिए, अमेरिका शुरू से ही एक ऐसा देश रहा है जो अपने स्वार्थ, अपनी जरूरतों और अपनी शक्तियों से बढ़कर पार जाकर कोई काम करता नहीं है। अमेरिका अपनी कूटनीति को बहुत सही तरीके से समझता है और उसी हिसाब से व्यवहार करता है। दूसरा, वहां पर जो शासन प्रणाली है उसका मतलब ये नहीं है कि अगर राष्ट्रपति जो है वो सर्वे सर्वा है और जो राष्ट्रपति ने कह दिया वही मंजूर भी हो जाएगा। आप इसको इस बात से जोड़िए कि जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह परमाणु समझौते पर अमेरिका को अपनी तरफ से जबान देकर आ गए थे, लेकिन संसद में उसी परमाणु समझौते को मंजूर कराने में उनको पसीने आ गए थे, यहां तक कि उनको इस्तीफा तक देने की बात कहनी पड़ी थी, तब जाकर भारतीय संसद में वो परमाणु समझौते का प्रस्ताव लाकर उस पर, और अभी भी वो पूरी तरह से अमल मुकम्मल नहीं हुआ, हवा में है। लेकिन जिस तरह भारत में संसद सर्वोपरि है, कोई निर्णय होगा, कोई नियम कानून लागू होगा तो संसद में होगा। राष्ट्रपति बराक ओबामा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में पिछले 2 सालों में 7 बार मुलाकात हो जाना, 4 बार नरेंद्र मोदी जी का अमेरिका हो आना, ये सब शुभ संकेत हैं, अच्छे संकेत हैं और दोनों के बीच में एक अच्छी केमिस्ट्री की बात होती है। लेकिन ये जो दोस्ताना है ये बिना अमेरिकी सीनेट की मंजूरी के आगे नहीं बढ़ सकता। तो राष्ट्रपति बराक ओबामा की तमाम इच्छा के बावजूद वहां के सीनेटर जॉन मैकेन ने जो प्रस्ताव रखा था रक्षा क्षेत्र में सहयोग वाला, उसको सीनेट ने मंजूर नहीं किया। इस नामंजूरी के कई कारण हो सकते हैं। जो तालियां होती हैं वो एक शिष्टाचार है, अमेरिकी लोग अपने शिष्टाचार को बखूबी निभाते हैं। एक और बहुत बड़ी खास बात है, जो लोग अमेरिका के साथ व्यापार करते हैं, अमेरिका के साथ लगातार काम करते हैं, हम लोग भी करते हैं, तो अमेरिकी लोग कभी भी अपनी भावना को चेहरे पर व्यक्त नहीं होने देते हैं। वो जो सोचते हैं और जो करते हैं उसमें कई बार बड़ा अंतर होता है। वो शिष्टाचार की खातिर आपके बारे में कभी भी बुरा या आपको असहज करे ऐसी बात आपके मुंह पर नहीं कहेंगे, लेकिन जब कर्म की बारी आएगी तो वो ही करेंगे जो वो चाहते हैं। तो यहीं पर अगर हम अमेरिकियों को पढ़ने में गलती करें हैं तो वो दिक्कत है। दूसरी बात यह है, देखिए, अमेरिका जो है वो ना तो पाकिस्तान से पूरी तरह से पल्ला झाड़ सकता है और ना हमें भारत को उस तरीके का दोस्त बना सकता है कि जिससे वो ध्रुवीकरण जो है और सत्ता का जो केंद्रीकरण है जो दुनिया का अब तक चला रहा है वो पूरी तरह से बदल जाए। इसके बावजूद न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत के प्रवेश को लेकर जो वकालत अमेरिका ने की है उसको भी एक बड़ी उपलब्धि माना जाना चाहिए। क्या अमेरिका भारत का विश्वसनीय मित्र साबित हो सकता है? वर्तमान समय में ये जरूरत की बात है। अंतर्राष्ट्रीय जो कूटनीति है, जो डिप्लोमेसी है, वो दोस्ती की बजाय जरूरत से ज्यादा चलती है। किसको किसकी ज्यादा जरूरत है? जब शीत युद्ध का समय था और 2 ध्रुवीय विश्व था, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में दुनिया बटी हुई थी, तब चूंकि हम अमेरिका के साथ नहीं हो सकते थे इसलिए हम गुटनिरपेक्ष होने के बावजूद भी ध्रुव में सोवियत संघ के साथ झुके हुए थे। सोवियत संघ हमारा मित्र देश था, सोवियत संघ के साथ हमारी लंबी दोस्ती चली, वो जरूरत सोवियत संघ की भी थी, वो जरूरत हमारी भी थी। इसी वजह से पाकिस्तान को उसने अपना करीबी मित्र बनाया अमेरिका ने और ये ध्रुवों का जो वर्गीकरण था वो लंबे समय तक चला। एक ध्रुवीय हो जाने के बावजूद भी विश्व में समीकरण पूरी तरह बदल नहीं पाए। चीन एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा है। चीन जिस तरीके से पाकिस्तान में घुसपैठ कर रहा है, पाकिस्तान के नियंत्रण वाले कश्मीर में जाकर निर्माण कार्य कर रहा है, वो अमेरिका के लिए चिंता का विषय है। दूसरा, सबसे बड़ी जो जरूरत अमेरिका की है वो बाजार की जरूरत है। अमेरिका का जो बाजार है वो तेजी से रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है। अमेरिका को अपना माल खपाने के लिए भारत जैसे बड़े बाजार की आवश्यकता है। परमाणु समझौते के पीछे भी एक बड़ा उद्देश्य यह रहा था कि उसकी जो पुरानी तकनीक है, घिसीपिटी तकनीक है, पुराने रिएक्टर है, उनको भारत में बेच दिया जाए। इसी वजह से उसका विरोध भी होता आया है। तो अमेरिका की रुचि 2 चीजों में है, एक तो कूटनीतिक स्तर पर चीन के बढ़ते वर्चस्व को कम करना, दूसरा बाजार के रूप में भारत का भरपूर दोहन करना। नरेंद्र मोदी अपने भाषण में आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर निशाना साधते हैं,
लेकिन उनके दौरे के कुछ समय बाद ही अमेरिका पाकिस्तान को 80 करोड़ डॉलर की मदद देता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये बड़ा गंभीर सवाल भी है। और पूरी तरह से पाकिस्तान से अलग होकर अमेरिका का काम इसलिए नहीं चल सकता कि अभी तो कुछ हद तक ही चीन पाकिस्तान में घुसपैठ कर पाया है, लेकिन अगर उसको समझ में आ गया कि अमेरिका अब उसके साथ नहीं है, अमेरिका उससे पूरी तरह पल्ला झाड़ चुका है, तो पाकिस्तान पूरी तरह चीन की गोद में जा बैठेगा, जो अमेरिका के लिए बहुत घातक होगा। भारत के बारे में वो जानता है कि भारत चाहे कितनी दोस्ती निभा ले, भारत चाहे उसका कितना ही करीबी मित्र बन जाए, भारत खुद को अमेरिका के सैन्य अड्डे के रूप में उपयोग नहीं होने देगा। शांति के कारणों के अलावा भारत के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल किसी भी युद्ध के लिए नहीं किया जा सकेगा। भारत की नीतियां बहुत साफ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान को वो अपने गुलाम के रूप में, अपने मातहत के रूप में वो इस्तेमाल करता रहा है, पहले भी खाड़ी के युद्ध के समय भी सब तरीके से। तो उसके जो CIA के एजेंट हैं वो खुलकर पाकिस्तान में घूमते हैं, अपनी गतिविधियां चलाते हैं। भारत में ये सब कर पाना इतनी आसानी से संभव नहीं है। तो पाकिस्तान की जरूरत अमेरिका को लगातार बनी हुई है। इतने हजारों मील दूर पर अगर वो यहां से अफगानिस्तान को, इराक को, खाड़ी के देशों को, चीन को, सोवियत संघ को नियंत्रित करना चाहते हैं, तुरंत सोवियत संघ पे हमला करना चाहते हैं, सोवियत संघ तक, रूस तक पहुंचना चाहते हैं, सोवियत संघ तो खराब है नहीं, रूस तक पहुंचना चाहते हैं, चीन तक पहुंचना चाहते हैं, अफगानिस्तान तक पहुंचना चाहते हैं, तो उनके लिए पाकिस्तान का एक सैन्य ठिकाने के रूप में उपलब्ध होना ज्यादा बड़ी जरूरत है। इसलिए वो 80 करोड़ डॉलर देने के लिए तैयार होंगे और आगे भी पाकिस्तान को अपने दामन में बनाए रखेंगे। मोदी ने एक बात और कही है कि मजबूत भारत अमेरिका की जरूरत है, इसके क्या मायने हैं? ये निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बात भी उन्होंने कही और महत्वपूर्ण बात भी कही है। अगर भारत कमजोर होगा और अगर भारत पर आतंकवादी ताकतें हावी हो जाएंगी, अगर भारत पर दूसरी ताकतें हावी हो जाएंगी, भारत उस तरीके से विकास नहीं कर पाएगा जैसे उसको करना है, तो इसका बड़ा खामियाजा जो है वो अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। भारत एक ऐसी भूमि बन जाएगा जहां से लगातार अमेरिका के खिलाफ षड्यंत्र रचे जाते रहेंगे। दरअसल भारत को कमजोर कौन करना चाहता है? चीन जैसे देश जो भारत को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, वो चाहते हैं कि इस क्षेत्र में, न केवल इस क्षेत्र में उनका वर्चस्व बना रहे बल्कि दुनिया में भी अमेरिका जो दबदबा है, दादागिरी है, एकाधिकार है, वो खत्म हो। चीन के उस वर्चस्व की वजह से और भारत के कमजोर होने की वजह से अगर किसी का नुकसान होगा तो वो अमेरिका का है। अगर भारत यहां पर एक मजबूत शक्ति के रूप में, मजबूत देश के रूप में उभरता है, खड़ा होता है, चीन की आंख से आंख मिलाता है और चीन को उतनी बड़ी ताकत नहीं बनने देना चाहता, तो इसमें फायदा अमेरिका का है, क्योंकि अगर भारत मजबूत देश बनेगा तो चीन अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।